आज हम आपको बच्चन परिवार की लाडली बहू ऐश्वर्या के कांस फिल्म फेस्टिवल से अब तक के स्टाइलिश लुक के बारे में बताएंगे, जिसने ग्रैब की थी हेडलाइंस। ऐश्वर्या ने अपने कांस का सफर साल 2002 में शुरू किया था। उस वक्त वो शाहरुख खान और भंसाली के साथ पहुंची थी, वो भी अपनी फिल्म देवदास की स्क्रीनिंग के लिए। इस दौरान उन्होंने देसी लुक से हर किसी का दिल जीत लिया था। उन्होंने डिजाइनर नीता लूला की डिजाइन की हुई पीली साड़ी के साथ हैवी गोल्ड ज्वेलरी कैरी किया था। साल 2003 में ऐश्वर्या इस ग्रैंड इवेंट में एज अ जूरी मौजूद थी। इस दौरान भी उन्होंने नीता लूला की ही डिजाइन की हुई नियॉन ग्रीन साड़ी पहनी थी, लेकिन उस लुक को लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को उनका ये लुक पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से वो खूब चर्चा में थी। साल 2004 में ऐश्वर्या व्हाइट बॉडी टाइट गाउन पहने चॉपर ज्वेलरी में कांस के रेड कार्पेट पर दस्तक दी। इस दौरान आउटफिट से मैच करता उनका हैंडबैग लोगों का टेंशन छीन रहा था, लेकिन फिर भी उनका ये लुक ज्यादा पसंद नहीं किया गया था। लोगों की आलोचनाओं का सामना करने के बाद अगले साल यानी साल 2005 में उन्होंने जॉर्जियो अरमानी के प्रिंटेड गाउन में रेड कार्पेट पर एंट्री मारी और सबकी वाहवाही लूट कर ले गई। वहीं अगले दिन उन्होंने ब्लैक गुची गाउन कैरी किया था, उसमें भी वो बला की खूबसूरत दिखाई दी। साल 2006 में ऐश्वर्या राय ने अपनी अदाओं से हर किसी का दिल घायल कर दिया था। उस दौरान वो रेड कार्पेट पर नेवी ब्लू स्ट्रैपलेस गाउन में कयामत ढाती नजर आई। साथ ही उनका स्नेक शेप में नेक पीस उनके लुक में चार चांद लगा रहा है। ऐश्वर्या ने अप्रैल 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और कांस के रेड कार्पेट पर पति के साथ व्हाइट गाउन में एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हुए उन्होंने एक कपल के रूप में अपनी उपस्थिति पेश की। उस वक्त भी काफी लाइमलाइट में रही थी बच्चन फैमिली की ये बहू। 2008 में ऐश्वर्या ने तीन शानदार स्टाइल पेश किए थे। ब्लैक से लेकर गोल्डन और बोल्ड पिंक कलर के इन तीनों ड्रेसेस में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई, जिसके लिए उन्हें खूब तारीफें मिली। उस दौरान उनके साथ उनका परिवार, पति अभिषेक और ससुराल वाले अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी मौजूद थे। बच्चन फैमिली की ये फोटोज खूब वायरल हुई थी। 2009 ये साल कांस में ब्यूटी क्वीन के लिए सबसे अच्छा रहा। पहले दिन ऐश्वर्या अपने फ्लोर स्वीपिंग रॉबर्टो कवाली स्ट्रैपलेस व्हाइट गाउन में जलवा बिखेरा। बाद में उन्होंने ग्रे रंग के वन शोल्डर गाउन में सबका दिल जीत लिया। 2010 में उन्होंने पहले दिन वॉयलेट कलर का एली साब का ऑफ शोल्डर गाउन और दूसरे दिन अरमानी प्राइव का शिमरी ब्लैक स्ट्रैपलेस गाउन पहना। उन्हें सव्यसाची की साड़ी में भी देखा गया जब वो अपने पति अभिषेक बच्चन के साथ पोज दे रही थी। साल 2011 में पूर्व मिस वर्ल्ड ने दो परफेक्ट लुक पेश किए, एक में एली साब वन शोल्डर कढ़ाई वाला गाउन और दूसरा जियोमेट्रिक अरमानी प्राइव ड्रेस में। उनका ये भी लुक खूब चर्चा में रहा। वही साल 2012, 13, 14 और 15 में ऐश्वर्या राय का एक अलग अंदाज नजर आया। आराध्या के जन्म के बाद भी वो रेड कार्पेट पर उतरी, हालांकि वेट बढ़ने के कारण उन्हें ट्रोल भी किया गया। उसके बाद भी वो रेड कार्पेट पर अपने हुस्न का जलवा बिखेरने में पीछे नहीं रही। साल 2016, 17, 18 और 2019 में ऐश्वर्या ने हैवी गाउन्स के साथ कलरफुल लिपस्टिक से हर किसी का ध्यान खींचा। कभी पर्पल लिपस्टिक में तो कभी स्टाइलिश गाउन से हर जगह हेडलाइंस बनाई। उफ, यूं कहिए कि साल दर साल उनके लुक में एक अलग कशिश दिखाई दी, जिसने हर किसी को उनकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर दिया। उस वक्त आराध्या की फोटो भी खूब वायरल हुई थी। अब बात करते हैं इस साल की। ऐश्वर्या इस बार भी बेटी के साथ इस ग्रैंड इवेंट पर पहुंची। हाथों में प्लास्टर के साथ उन्होंने अपनी स्टाइल से दिल जीत लिया। उनका रेड कार्पेट लुक इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे कई लोगों को तो उनका लुक खूब पसंद आ रहा है, लेकिन कई लोग हैं जो उनको वेट को लेकर तो फैशन को लेकर ट्रोल कर रहे हैं।
इनमें से कौन सा लुक आपको पसंद आया नीचे कमेंट्स कर बताइए और देखते रहिए बॉलीवुड नाउ।